अथर्ववेदीय मार्गदर्शक उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण पर विचार चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो अद्वैत भी आप श्रुति वाक्य के सहारे और श्रुति अनुकूल युक्ति के सहारे आप समझ सकते हैं कि अद्वैत एक पारमार्थिक सत्य है और बाकी जगत सारा नाम के वास्तव जगत ये प्रतीति मात्र है। इसको समझाने के लिए एक शास्त्र में तो आप बोलते हैं पर शंका उठाया था कि देखो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म में तो अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख अलग अलग भोग करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कर्म और कर्म फल अलग अलग है। इस अवस्था में आप यदि आत्मा को एक मान लो तो भोग शंका जो सारा व्यवहारिक शंका जो आ जाएगा। हमारे उत्तर है आपने हमारे सिद्धांत को समझा ही नहीं, उपाधि के माध्यम से सारा शंकर जो दूर हो जाता है। एक ही सूर्य अलग अलग घर में प्रतिबिंब होकर के प्रतिबिंबित होकर के अलग अलग रूप में व्यवहार करते हैं, कोई जुड़ जाते हैं कोई फूट जाते हैं, कोई गंदा होता है तो दूसरा, प्रतिबिंब तो कुछ भी नहीं होता, दूसरे को कुछ खास करने पड़ता। इस प्रकार से कथन करने के बाद ये जो शास्त्र के द्वारा जो नानात्व की कथन कथन किया ना, वो जो केवल मात्र अनानात्व को समझाने के लिए प्रक्रिया को अपनाया गया, एकत्व को समझने के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए, वासना रहित हो चाहिए। तो श्रुति इसमें क्या करता है, पहले वासना जनित कर्मों को कराकर के इसमें कमियां क्या है हमको दिखाती है, वासना जनित कर्मों को करके इसमें कमियां क्या है हमको दिखाती है। यदि एक अकबर बैठ जाए क्यों परीक्षा लोकान कर्म चितान सिद्धांत निश्चय होगा जिसकी प्रशंसा की जाती है वो विधेय है और जिसकी निंदा की जाती है वो निषिद्ध है। ये सामान्य पूर्व मीमांसा दर्शन के नियम ऐसा किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि अभेद दर्शन की फल कथन के द्वारा उसकी स्तुति की गई है और भेद दर्शन की फल कथन के द्वारा उसकी निंदा की गई है। की जो नाना योनि भेद देखने वाले को घूमते रहते, इसीलिए भेद पारमार्थिक नहीं है, अभेद पारमार्थिक है, भेद उसके ऊपर प्रतीति होकर व्यवहारिक नहीं होते हैं। इसलिए बोला जो श्रुति ने पहले ऐसा कहा गया ना भविष्य वित्त भावना है ना, जीवात्मा 14 नंबर चल रहा था उसको भाष्य कर लिए थे, टीका बचा हुआ तो फोर नंबर 14 को एक साथ मिल पाएंगे। जीवात्मन पृथक्तम जय प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितम भविष्य वृत्त्या भावनं तन् मुख्यत्वं हीन युज्यते
जीवात्मा और परमात्मा की पिंजर और जीवात्मा में आपस में मतलब रखते हो, ये जो सृष्टि सूर्य से पहले अथवा उपनिषद भारती आने से पहले कहा गया है ना, वो आगे मुख को एकत्व को प्रतिपादन करने शुद्ध करने के लिए यहाँ भी बहुत रूप में कहा गया है ना। भविष्य वेदता आगे मुख को एकत्व शुद्ध करने के लिए जो भेद को हम जानते हैं उसको अनुवाद करके स्तुति बोलती है, ताकि हमने उसकी जब हम उनकी जो है भ्रांति को मान्यता देकर कि हाँ ऐसा भ्रांति होना संभव है। फिर भगवान से असंशय महाभाव मन दुर्निग्रह चल, अर्जुन ने बोला मन को तो सुनकर कर सामान्य संभव ही नहीं है। भगवान ने क्या बोला, तू मूर्खानंद तू कैसा बोला, ऐसा नहीं बोला, ठीक बोल रहे हैं। असंशय महाभाव मन दुर्निग्रह चल, श्रुति की तरीका है, तुम्हारी परंपरा ही ऐसा है, शिष्य जो बोलते हैं पहले उसको मान्यता देकर समझा हो जाकर पहले अपने पास बैठा लेते हैं, एक पिटाई करते हैं ठीक है। अलग अलग व्यक्ति तो अलग अलग वासनाएं, इसलिए अलग अलग प्रकार की जीव होना चाहिए ऐसा आपने कहा, परंतु जीवात्मा परमात्मा के भेद कैसे शुद्ध करोगे, जीवात्मा परमात्मा के भेद कैसे शुद्ध करोगे, वेदांत के लिए पूर्ववादी को पूछते हैं। तो आपने पूरा उपनिषद पढ़ा कि नहीं, सूर्य बात तो आपको ज्ञान ज्ञान है। देखो परस्य सदाधार पृथ्व्या पृथ्वीद्याम इत्यादि मंत्र वर्णन है ना, वो जो है एक व्यक्ति पूरा सृष्टि स्थिति संहार को धारण करके पूरा दुर्लोक से लेकर के दुर्गन धारण किए हुए है, और ये तो अपने को धारण नहीं कर सकता, जीवात्मा को परमात्मा पृथक क्यों नहीं होगा, पृथक नहीं हो उस प्रकार मंत्र वर्णन के द्वारा। इसी को अर्थ देखिए लिखा है हिरण्य गर्भ समवर्त काग्रे इति मंत्रे प्रकृत, इस प्रकार वहाँ पे जो है मंत्र में जो है ना सदाधार पृथ्वीद्याम, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे हिरण्य गर्भ समवर्त काग्रे, हिरण्य गर्भ सृष्टि के पहले जीव के लिए पहले उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। इति मंत्र प्रकृत, उस मंत्र को पहले ऐसा शुरू करके हिरण्य गर्भ सर्वनाम ना परामृश्य, तो हिरण्य गर्भ तो स पद है, स इस मंत्र में एक सपद है मूल में देखिए ना, सदाधार पृथ्वीद्याम, ठीक है ना, वहां पर जो तत्पद का प्रथम है एक वचन पूरी में स बनता है, वो सपद किसको परामर्श करता है, वो हिरण्य गर्भ को परामर्श करता है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि हिरण्य गर्भ समवर्त मंत्र के द्वारा शुरू करके हिरण्य गर्भ सर्वनामना परामर्शक, उस हिरण्य गर्भ को मंत्र में जो आया हुआ सपद उसके द्वारा हिरण्य गर्भ को परामर्श किया जाता है। सही इमाम पृथ्वी नियाम पृथ्वीमान के वही हिरण्य गर्भ ईश्वर को लेकर के बोल रहे हैं, इसे कभी करते हो कहते हैं इस पृथ्वी को दुलोक को भी पूरा चतुर्थ भुवन को अपने अपने स्थान में धारण करके रखा है, इसलिए जीव कैसे कर सकता, तो आपने शरीर को भी धारण नहीं कर सकता, तो भगवान कहाँ से धारण करेगा। इसलिए बोलते हैं स इमाम पृथ्वी याम अपिता दुलोक को भी मतलब चतुर्षमान को आपने धारण करके रखा दिए सवाल, अन्यथा गुरुत्वा तयोर अवस्थान अयोगा। देखो ये हमारे जो न्यूटन की ग्रेविटेशन फोर्स, ये तो बाद में आविष्कार उपनिषद करता है, क्या बोलते हैं यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति इसको धारण करके नहीं लगता तो ना जाने गिर के आपस में टकरा के काव्य सृष्टि समाप्त हो गया होगा, है कि नहीं। तो विज्ञान जब आप बोल रहे हैं अभी वो तो हमारे उपनिषद के ऋषियों ने पहले देख रहे, तो इसलिए आप बोलते हैं कि यदि ऐसा कोई एक इसको धारण कर इस रूप में धारण किया हुआ है शुद्धात्मा के रूप में, शुद्धात्मा के रूप में सारा सृष्टि को धारण किया हुआ है, क्योंकि स्पेस में किसी वस्तु को रखने के लिए आपको गति चाहिए। एक पत्थर नीचे पड़ा रहता है, पत्थर को आप फेंको ऊपर के रूप में कुछ जो है दूर जाकर ऊपर रहना दूर देता है,
वो व्योम के कारण ऊपर रहता है, पूरा स्पेस में जो ग्रह नक्षत्र जो है अपने अपने स्थान पे घूम रहा है और अपने जगह पे आपस में टकरा भी नहीं है, व्योम भी नहीं रहा है, उसके पीछे कारण है कोई एक उसको धारण कर रहा है, मतलब कोई एक उसके अंदर ऐसा गति प्रदान किया है ना, जो जिसके कारण सो अपने अपने पक्ष से कभी छूट नहीं होता। इसलिए वहाँ पर एक अन्यथा गुरुत्वाध्याय अवस्थान वाले का नहीं हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ जाता है। हिरण्यगर्भ अदेव काम ईश्वर परे धटे, मतलब इस प्रकार हिरण्यगर्भ से ईश्वर के हिरण्यगर्भ को भी ईश्वर कहा जा रहा है ना, चाहे हिरण्यगर्भ अतिरिक्त ईश्वर परे धटे, हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त करके मतलब हिरण्यगर्भ करके ईश्वर मानने वाले हैं, मुक्ति मानने वाले हैं वो लोग थे हिरण्यगर्भ का हंसमुख, इससे आगे ईश्वर कुछ नहीं, हिरण्यगर्भ भी ईश्वर है ऐसा मानने वाले, ना हिरण्यगर्भ का अतिरिक्त हम ईश्वर तो भेदवादी है ना वो, पर एक बुद्ध जो दृष्टिवादी ऐसा समझते हैं। मंत्र के बारे से कहते हैं ये मंत्र वर्ग नहीं, परश्च प्रकृति के संबंधित मंत्र वर्ग के द्वारा परमात्मा के बारे में कथन किया गया है, इसे परश्च सदाधन मत परमात्मा की तुम किस प्रसंग में बोल रही है, क्या प्रश्न हुआ था, किसको उत्तर में कहा जा रहा है, इसके भेद जीवात्मा और परमात्मा के भेद की सत्य है कि नहीं है, उसको प्रतिपादन करने के लिए कहा जाए, इसलिए बोलते हैं मंत्र वर्ण परश्च प्रकृति, मंत्र वर्ण के द्वारा परमात्मा को वहां पर कथन किया गया है, परमात्मा का अंदर ही सामर्थ्य है, जीवात्मा का कुछ भी सामर्थ्य नहीं, इसलिए एक भेद होना चाहिए। यह भेद कर्म कांड अर्थम ज्ञान कांडेन अपवाद्य, ज्ञान कांड अर्थस्य एव एकत्वस्य सामंजस्यम् अवधारयताम् इति आशंक्य, कोई वाले बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, आशंका बोल रहे हैं, मतलब कर्म कांड ज्ञान कांड के वाक्य के द्वारा कर्म कांड को बाधित करके एकत्व को निश्चय करना चाहिए, ये जो आप बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, दोनों भेदभाव है, दोनों ही भेदभाव है, और वेद की प्रामाणिकता दोनों धर्म के समान है, तो एक दूसरे को बाधित कैसे कर सकते हैं, अनादि अनधिगत तो अबाधित तो ज्ञान विषय अर्थम, वेद की कोई बात को बाधित तो नहीं होता, इसलिए अभी बोलते हैं कर्मकांड अर्थम, कर्मकांड का जो विषय है मतलब ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये करो इसे मिले बोलूंगा ना, अनेक काम भेद अर्थ मतलब इदम काम अव काम अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग पाठ है, इसलिए कर्मकांड अर्थम ज्ञान कांडेन अपवत्व, ज्ञान कांड भी वाक्य मतलब एकत्व बुद्धि के द्वारा उसको मतलब बाधित करके ज्ञान कांड अर्थस्य एव एकत्वस्य, ज्ञान कांड का विषय क्या है एकत्व की बात, उस एकत्व का उसी में सामंजस्य श्रुति वाक्य की युक्तियुक्तता है, ये आप कहना चाहते अवधार्यता इसी को निश्चय करो, ये आशंक ये भी हम आपने बोलते हैं आशंक करते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं ये वाक्य मतलब बदमा चलाया, क्योंकि ये बात है ये बाधक है, बाधक कौन है ज्ञान कांड की बात को, बाधक कौन है कर्म कांड की बात को, ये बाध्य बाधक भाव मतलब एक द्वारा ये जो एक दूसरे को बाधित करके बैठता है, बाध्य बाधक भाव निर्धारण है, बाध्य हो गया ज्ञान कांड की बात को, बाधक हो गया मतलब उसका उसको निराकरण का निषेध करने वाला वाक्य हो गया, बाध्य हो गया कर्म कांड, बाधक हो गया ज्ञान कांड, इस प्रकार निर्धारण करने में कारण अनवधारण, क्यों हम ऐसा निर्धारण करें ऐसा निश्चय करने का कारण क्या है, ये बलवान है ये दुर्बल है कैसे निश्चय कर सकते हैं, दोनों भेद की बात तो है और एक बार भेद प्रमाण कर रहा है एक अभेद प्रमाण कर रहा है, ये बलवान है ये मतलब जो है कमजोर है, ये कैसे बोल रहे हैं, भाष्य के साथ भी देखना पड़ेगा, तत्र कथम कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोधी, ज्ञान कांड वाक्य अर्थस्य एव एकत्वस्य सामंजस्यम् अवधार्यते, ज्ञान कांड वाक्य में जो एकत्र होता है वही सामंजस्य पूर्ण वही युक्ति युक्त है, ये कैसे निश्चय करें हम, यदि ऐसा शंका करते हैं तब बोलते हैं श्लोकाक्षर उत्तम उत्तर, हम श्लोक की अक्षर पद के द्वारा मंत्र पद के द्वारा इसकी उत्तर देते हैं, अत्र उच्यते, देखो यहाँ पे हमारा कथन ये है,
यतोवति माने भूतानि जायन्ते यद्वजातानि जीवन्ति जयत्पयन्ति अभिशम्पिशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्वन। तो सारा सृष्टि हमारा क्या न्याय है, कार्यकरण अभिन्न, कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़कर के नहीं रह सकते, चाहे उसको आकार दो, उसको कार्य को आपने जब अपने ईटा बनाया अथवा खड़ा बनाया, उसको जलाया, लाल किया, अभी पेंट करके सुंदर डिजाइन बनाया, अपने उसको जो गुप्त धर्म वो तो कभी नहीं छोड़ सकते, रहेगा ही रहेगा, वो चाहे देखने में मृत्यु का ना भी देखे पर जो मृत्यु का जो धर्म मन में रहेगा ही रहेगा। आपने उसको जलाया, फिर उसके ऊपर अपने पेंट की सुंदर डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाकर खड़ा को एक अच्छा रूप दिखाई दे दिया, परंतु उसका उसमें जो घटत्व के साथ जो मृत्यु धर्म है वो चला जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, रहेगा वहाँ। इसीलिए ये चीजें इस ध्यान करना, ये क्यों बोल रहे हैं, जब होगा ईमानी भूतानी जायते, इस शंका के उत्तर में ये कैसे काम करेगा कि आप अपने आप सोचो। शंका क्या क्या, ज्ञान कांड की बात को कर्म कांड की बात को सिर्फ अल्पान है, और इसीलिए ज्ञान कांड की बात को सामंजस्यपूर्ण है। इसके उत्तर में क्या बोल रहे हैं, ये एकत्व सामंजस्यपूर्ण है, भेद सामंजस्य। इसके उत्तर में पहला क्या बोला, जब तो बात ईमानी भूतानी जायते, जब ये पूरा स्वयं ध्यान रखते हैं, ये क्या है सामंजस्य पूर्ण बैठेगा, और शंका दिया कुछ उत्तर दे रहा, कुछ ऐसा लग रहा है ना। पूछा पूछा कि एकत्व का निश्चय हम कैसे करें, आपने बोला जाता भाई मान्य भूलता नहीं जाएगा, मतलब क्या है कि कारण से कार्य कभी भिन्न रूप में नहीं है, जगत की उपादान कारण के रूप में मूल उपादान तस्माद वही तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु क्या दिखाए वहां पर, जिसको ब्रह्म शब्द के द्वारा बोल कर गया था कि ब्रह्म विदात्मा की परम सत्य सभा जिसको बोल कर गया था उसी को आत्मरूप में दिखाना, तो उससे सारा सृष्टि की मतलब क्या हो गया, वो सारा सृष्टि के अंदर ब्रह्म अनुस्यूत है। और क्या सूत्र क्या है, वाच्य आलम्बन अभिकारणाम अथवा अथातवादेश नेति नेति, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म सबको निषेध करते थे, मानी की तरह कहा जाता है वो निषिद्ध है, यानी कि कारण ही सत्य है, ठीक है, क्योंकि कारण में सत्य तो दिखा रहे हैं। और एक है वेदांति नियुक्ति, ये भी छांद को सूत्र के आधार पर, छांद को सूत्र क्या बोलती है, अन्येन सौम्य सौंगेन अपमूलम अन्यच्च अभिसौम्य सौंगेन तेजमूलम अन्यच्च तेजसा सौम्य सौंगेन सन्मूलम अन्यच्च सन्मूला सौम्य इमा सर्वप्रजसदायतना सप्रतिष्ठा। श्रुति बोलती है यानी कि ये कार्य का क्या दिखा रहे हैं, अन्य रूपी मतलब पृथ्वी रूपी कार्य को देख करके उसका कारण को विचार करो, जल रूपी कारण कार्य को वो भी एक कार्य है कि उसका कारण क्या, उसको विचार करो, ऐसा करते करते अपना पहुंच जाएंगे मूल कारण सत्य, वही सत्य सत्यम सात्म तत्व। इस प्रकार से सृष्टि की उपयोगिता क्या है, कैसे हम सृष्टि में एकत्व को समझ सकते, आपने और को सिखाया, इसीलिए तेजत्ववादी मां ने भूता ने दिया। फिर दूसरा दृष्टांत क्या दिया, यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगः, ये क्या दिखाई पड़ते हैं आपको, सब चिंता ये अलग 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 अलग, पर वहाँ पर आगे एक शब्द स्वरूप यहाँ पे नहीं किया, जब हम इसको देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे चिंता या अलग अलग दिखाई देने पर भी उसके अंदर वस्तु को जलाने की क्षमता उतना ही है जितना अग्नि में, मतलब वो चिंगन या अग्नि स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार एक ही शुद्ध परमात्मा से अलग अलग 84 लाख दोनों में इतना सब जीव दिखाई देने पर भी उसके अंदर सच्चिदानंद में कोई भिन्नता नहीं, यही तो करते हैं, इसलिए बोलते हैं ज्यादा अग्नि युद्ध हमेशा जिस चीज को समझाने के लिए, जिस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, जिस श्रुति वाक्य को दे रहा है, इन दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा, कि कुछ कुछ आनंद भी दिखा देते हैं, कुछ अपने दिमाग में अंदर आना कैसे हमेशा सामंजस्य बैठा है, ठीक है। जैसा अग्नि क्षुद्र तस्माद वय तस्माद आत्मना आकाश संभूत, ठीक है, अपने आप सूर्य जी के पास हो तो ब्रह्मरूप बोला, ब्रह्मरूप इस आत्मा से सारा वस्तु है, इसके कारण ही एकमात्र से उसी परमात्मा से सारा जीव उत्पन्न हुआ है, इसलिए परमात्मा से पृथक करके संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। इसीलिए आप बोलते हैं तत्व इत्यादि
उत्पत्ति अर्थ स्तुति वाक्य इस प्रकार उत्पत्ति के लिए जो भी स्तुति वाक्य को दिखाएगा प्राग उसे पृथक था उसके पहले उत्पत्ति वाक्य से तो आपको समझ में आ जाएगा कार्य कारण को छोड़कर के नहीं रह सकता उसके पहले इसको नहीं कहा क्योंकि ये चीज सूक्ष्मता को समझने के लिए कुछ अंतरिक्ष शुद्ध होना चाहिए। जब जब तक मन में वासना है तब तक भोग्य वस्तु से मन उठना नहीं चाहिए और पृथक देखने ही हमारे लिए अनुकूल लगता है कि उससे हमारा कुछ लाभ होगा ये भाव है। परंतु जैसे धीरे 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 आपको समझ में आता है इतना भोग्य वस्तु को भोग लिया फिर भी वो शांति तो नहीं मिल रहा है तब इसका मन में जीतना चाहिए। इसीलिए कुछ कर्म का अंग फल के श्रेय 80,000 मंत्रों में द्वारा कहा गया वैराग्य उत्पन्न करने के लिए फल भोगने के लिए नहीं। उपासना करने की उपयोगिता मन को एकाग्र करने के लिए चीज यदि आपको समझ में आ जाता है तब कभी भी पूरा वेद देखो वेदांती ने जैसा वेद की उपयोगिता को समझाया उतना क्यों लोगों की भाषा में सबसे अधिक है भाषा के बंधन है इसीलिए इतने प्रकार के कर्मकांड भी मंत्र आया हुआ है। ये भगवान अच्छे से तुम आपको कैसे पता लगा बताओ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं निश्चय पूर्ण भगवान जी आज बोल रहे हैं तस्मा युद्धस्व भारत हाय राम क्या लगता है इधर बोल रहे हैं गुना भी हो जाए उधर बोल रहे हैं तो युद्ध होगा घोर गज गुना तम गुण के अंदर घुसो कैसा विरोध लगता है ना। परंतु उस कर्मों को अपने वर्ण और अष्टम धर्म को किए बिना निश्चय गुण हो नहीं सकते अंतकरण शुद्ध समझ है एक बोध है इसलिए ऐसे यही हमारे लिए उपाय है पूरा का पूरा कर्मकांड भी यही उपयोगी है निष्काम भाव से करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा और वैराग्य तो विवेक के साथ वैराग्य होगा तो अंतकरण अभिव्यक्त होता है अंतकरण होगा तो अभिव्यक्त होता ही इसीलिए आप बोलते हैं कि तस्मात आत्मन आत्मा से संपूर्ण इसलिए इत्यादि उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य इस प्रकार सृष्टि की बोधक उपनिषद वाक्यों से प्राप्त सकम कर्मकांड प्रकृति वो जो कर्मकांड में भिन्नता के बारे में कथन किया गया जब तन्न परमात्म जो कहा है वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्यों पारमार्थिक सत्य नहीं है किंतर ही वो कौन है क्योंकि एकत्व को समझाने के लिए आपको बताओ श्रुति ने भेद प्रतिपादन करने से श्रुति का प्रामाणिक करने हानि मिलेगी सभी व्यक्ति जानते हैं कि हम आपसे भिन्न हैं भगवान हमसे भिन्न है सभी व्यक्ति जानते हैं भिन्नता के लिए कोई श्रुति को मन नहीं चाहिए क्यों तरी गौरव अब देखिए फिर इसमें आ जाइए ठीक है पृथक तस्य गौणत्य प्राप्त उक्तम एवं दृष्टांत इस प्रकार भिन्नता गौण है और एकत्व मुख्य है भिन्नता गौण है एकत्व मुख्य है इसलिए पृथक तस्य पृथक के धर्म है उसका गौणत्य वो गौण है और प्राग उक्तम एवं दृष्टांत पहले जो दृष्टांत देख कर आया है उसी ज्ञान पे कहते हैं महाकाश घटाकाश आदि भेदवत अभी मानते हैं इस प्रकार पूर्ण आकाश ये जो है ये मठाकाश होता है। अब क्या लगता है बाहर या कश या अलग है धर्म नहीं है एक छटका आए भूकंप की सब एक ही आकाश हो गया इसीलिए आप बोलते हैं दृष्टांत पहले न महाका न घटाकाश महाकाश स्विकार अवयव है ना घटाकाश महाकाश के न विकार है न अवयव है इसी प्रकार जीव न परमात्मा के विकार है न अवयव है स्वरूप परमात्मा के अविकार तथा श्लोक सूचित उदाहरण हो अब इस विषय में मतलब कि जो परमात्मा जीवात्मा में भिन्नता नहीं है एकत्व मुख है इस विषय में श्लोक सूचित जो श्लोक में सूचित किया गया है जीवात्मा परमात्मा ने पृथक्तम जब प्रागुत्पत्य प्रकृति है ना जीवात्मा ने पृथक्तम जो प्रागुत्पत्य प्रकृति था उसको श्लोक पात्र को लेकर के बोलते हैं तथा श्लोक सूचित उदाहरण आह यथा ओदनम पचती थी भविष्य का तद्वत भात को पकाता है आगे भात होने वाला है आगे भात बनने वाला है कि इसी प्रकार यहाँ पे भविष्य में एकत्व बिंदु भविष्य एकत्व बिंदु को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसका चार नंबर चित्र तो पढ़ लिए हम लोगों ने मूल में नहीं हाँ जी चार नंबर चित्र मूल में उत्तरत्र उत्पत्ति आदि वाक्य ही महाकाश घटाकाश आदि भेद तुल्य जो भेद उत्तरत्र मतलब अवलोकनशन भाग में उत्पत्ति आदि वाक्य उत्पत्ति आदि वाक्यों के द्वारा महाकाश घटाकाश आदि भेद तुल्य जो भेद
भेद तथा किस प्रकार भेद है परमात्मा में, इस प्रकार महाकाश और घटाकाश प्रतिभाषा से एक प्रती होती है। स एवं पुरस्कार कर्म वाक्य लोग उसी को ही कर्म कांड वाक्यों में इसी प्रकार भेद को लेकर ही कहा गया है। यदि गौ में वैसे कर्मकांड में जो भेद की कथन किया गया है वो गौ ने मुख नहीं हो सकते, ये इसके अंदर भाग है। मुखत्तम ही इत्यादि व्याचस्य मूल में देखिए तम मुखत्तम ही न युज्यते, मुख चौथा वाक्य मुखत्तम ही न युज्यते मतलब भेद में पारमार्थ्य कथा भेद में मुखता होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि तब आप मुखते ही नहीं होंगे। एकत्व बोध के बिना तो है मुक्ति नहीं है, इसलिए मुखत्तम ही इत्यादि मुखत्तम ये चौथा पाठ्य श्लोक के चौथा पाठ्य प्रतीक है। इत्यादि व्याचस्य उस भाग को व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या करते हैं वाचक नहीं भेद वाक्ना नाम कदाचित अभी मुख भेदार्थ मुखबद्ध भेद वाक्यों का किसी भी समय उसके पारमार्थ्य कथा को सिद्ध करने के लिए नहीं है, पारमार्थ्य कथा को सिद्ध करने के लिए है। भेद वाक्ना नाम कदाचित अभी किसी भी समय मुख भेदार्थ पारमार्थिक भेद को विषय करता है, ये कहना जो संगत न शुरू उपबद्ध न शुरू संगत नहीं है। तो ये आपको भेद दिखता क्यों नहीं, जो बोलते हैं स्वाभाविक अविस्तावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित आत्म भेद वाक्यानाम है ना, अनादि काल से जो है माँ और अज्ञान के कारण हमको भेद दिखाई पड़ता है। जन्मांतर से हमें भोग वस्तु की इच्छा, इसलिए भोग वस्तु को हम अपने से अलग मान लेते हैं और उसी को हमें संस्कार से हम दोबारा उसी प्रकार से भोग वस्तु की कामना करते हैं, भेद व्यवहार करते हैं। इसलिए बोलते हैं स्वाभाविक अविद्यावत अनादि अनंत अविद्या वाला प्राणी की जो भेद दृष्टि है, जो भेद भेद देखने की स्वभाव बन गया उसकी अनुवाद है। इसलिए देखिए यानी कि ये भेद जो है और भेदों में जहाँ पर भेद कथन किया वो अनुवाद था, वो प्रतिवाद तो बात नहीं है, अनुवाद इसका आत्मभेद भाग का नाम आत्मा में जो भेद की प्रतिपादन भाग को सूत्र में प्रयोग करते हैं वो अनुवाद भाग है, वो प्रतिवाद तो भाग नहीं है, क्योंकि वो सूत्र के द्वारा प्रतिपादन करना नहीं चाहते। टीका में देखिए टीकाकार बोलते हैं कि भेदस्य अपूर्वत्ता के अभाव अनधिगत अभाव ज्ञान की अर्थन, यदि जो वस्तु आप उसका किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जानते हैं यदि उसको सूर्य प्रतिपादन करते तो वो उसके लिए प्रतिपाद के कारण हो जाता, किंतु भेद अपूर्व नहीं है, इस नाते यूनिक वाली होती है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं भेदस्य अपूर्वत्वादि अभाव अनधिगतत्व और अपूर्वत्व यहाँ पे भेद में नहीं है, न वाक्यान तत्परत्व, इसीलिए उस भेद वाक्यों का भेद बोधक नहीं है, वो भेद बोधक नहीं है वो। तत्पर अतत्पर कौन वाक्य किसका बोध कराएगा, तत्पर है वो वाक्य के स्वार्थी है अथवा अन्य को बोध कराता है, इसको कैसे तत्पर अपरयुष अथवा भेद तत्पर मतलब एकत्व बोध अतत्पर मतलब एकत्व की भिन्नता की वस्तु तत्परम वाक्यम बलवत, उसमें जो वाक्य जिस वाक्य को बोल रहे हैं यदि उसी अर्थ की प्रतिपादन करते हैं तो वाक्य बलवान होता है। मतलब आपके पास एक प्यारे हिंदू है मतलब आप वाक्य अर्थ निकालने के लिए सूखी हिंदो वाक्यों प्रकरक स्थान समाख्यान समवाय पारदौर्वल्यम अर्थ हिंदो दर्शा, ठीक है ना। सूखी वाक्य मतलब क्या है कि सूखी का बोलते हैं स्वतंत्र जो आप किसी जो अपनी वाक्य अर्थ करने के लिए किसी को सहारा नहीं मिला वो हो गया सूखी। असामर्थ्यम लिंग मतलब सुधी को क्या होता है सुधी वाक्य की अर्थ से जो अर्थ निकल तो सम यानी कि लिंग प्रमाण के लिए सुधी प्रमाण का अपेक्षा है सुधी वाक्य का अपेक्षा रहता है। इसी प्रकार सुधी लिंग वाक्य प्रमाण को शुद्ध करने के स्तुति अथवा लिंग प्रमाण का देवा, इसलिए जो बाद वाला होता है ना वो दुर्बल होता जाता है क्योंकि वो अपने वाक्य से अर्थ नहीं निकलता दूसरे सुधी के सुधी किसको बोलते हैं किसका बोधक है तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के द्वारा वो निर्णय होता है। अब जो है यहाँ पे तत्पर अतत्पर तत्पर वाक्य बलवान जो वाक्य मतलब जिस अर्थ को सीधा सीधा प्रतिपादन करते हैं वो वाक्य बलवान होता है, इसलिए स्तुति से जो अर्थ निकलता है वो अधिक बलवान है, प्रकरण प्रमाण से जो अर्थ निकलता है उससे कम बलवान है। पूरा ब्रह्मसूत्र में इसी को तात्पर्य निर्णय हुआ है
इस बात को इसमें तात्पर्य पूरा ब्रह्म सूत्र में पूरा पानी किस प्रमाण के आधार पर बोलते हैं सिद्धांत किसका आधार आप लिंग को प्रमाण दे रहे हो फिर प्रकरण प्रमाण दे रहे हो श्रुति प्रमाण दे रहे हैं इसके आधार पर ये श्रुति प्रमाण सबसे बलवान माना जाता है इसलिए बोलते हैं तत्पर निरपेक्ष रमस्मृति निरपेक्ष रमस्मृति मतलब जो अपनी अपेक्षा मतलब स्वतः निकालने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखती उसको निरपेक्ष रमस्मृति इसीलिए बोलते हैं निरपेक्ष रम मतलब शब्द निरपेक्ष रमस्मृति तत्पर वाक्य बलवत् उस प्रकार वक्र वही न्याय अखंड वाक्यर्थस्यैव सामंजस्यम् इसीलिए वहाँ पे जो वाक्य जिसको प्रतिपादन करते हैं वो यदि स्वार्थिक होते हैं ना वो वाक्य अधिक बलवान होते हैं अधिक बलवान होते हैं तत्पर तत्पर अतत्पर वाक्य में तत्पर वाक्य बलवान तत्पर वाक्य बलवान होता है यदि न्याय इस युक्ति के आधार पर अखंड वाक्यर्थस्यैव सामंजस्य मतलब जो वाक्य अखंड अर्थ को प्रतिपादन करते हैं वो अधिक युक्ति संगत है क्यों श्रुति बोलते हैं तमेव विदिता कि मृत्यु में दिनां कर्तव्य इतने को जानकर मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए कितने को जानने के लिए बोल रहे हैं एक है ना तो बोलते हैं सामान्य सम होते हैं अब कौन सा तमेव विदिता कि शेतशत्रु उपनिषद शेतशत्रु उपनिषद देखना वो जागृत द्वितीय खंड तमें तो विधि तत्व में इलुजी भी आया वसु को तो देखते हैं इलुजी भी आया तमें तो विधि जो इलुजी इलुजी में तो विधि आते हैं ना इलुजी आते हैं पुरुषोत्तम ना पुरुषोत्तम अद्वैत में तात्पर्य एक ऐसा निर्णय करेंगे तो हमारे पास तात्पर्य छह लिंग है उसी का पूर्व मीमांसा का संघ बनाया वेदांति ने नहीं बनाया तात्पर्य निर्णय छह लिंग के लिए उपकोषण का अर्थ सब कुछ का फलन ये वेदांति ने नहीं बनाया तुमने बनाया इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कथम अद्वैत तात्पर्य में आशंक अपूर्व अर्थत्वात् ये देखिए आप भेद प्रतिपादन करना कोई अपूर्व अर्थ नहीं है भेद तो सामान्य ज्ञान से प्रतीत हो जाता है और अद्वैत जो प्रतिपादन करते हैं अपूर्व उसमें किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता इसलिए नहीं एक तो अपूर्व मत नहीं अपूर्व अर्थात पूर्ववर्ती मत तो अच्छा और युक्ति संगत होने के कारण भी क्योंकि आप खुद देखो आपके अपने रूप में कि एकत्व से हमको अधिक सुख मिलता है कि भेद में अधिक सुख मिलता है सामान्य व्यापारिक युक्ति के आप बताओ दिन भर आप व्यवहार करते हो टीवी देखो के लोग होते हो भी पता चल करो आदमी को फिर क्या सोना क्यों चाहते क्यों कि थक जाते इसीलिए अपने में जब या तो सोना अथवा ध्यान करना इस अवस्था में जब अपने आप अकेले में नहीं रहता हूँ हमें अधिक आनंद है विवेक की व्यक्ति को तो निश्चित लगता है परंतु जब तक भोग निप्स है तब तक सोचते हैं भोग सामान्य मिलता है फंसता है फिर बाद में कुछ देर में समझ में आ जाता है यदि उस नहीं होता तो वो सोना क्यों चाहते विश्राम क्यों चाहते अकेले में क्यों रहना चाहते हैं क्योंकि उससे उसको फिर एनर्जी रिटेन हो जाता है इसलिए वही आनंद आएगा इसलिए उपभोग की महत्वपूर्ण जब और भी देखो सोचिए इस चीज को जब आप बॉडी लेवल में रहते हैं तब आपकी आनंद जब आप मेंटल लेवल में रहते हैं तब आपकी आनंद जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल में रहते हैं तब आपकी आनंद और जब उससे भी परे जाते हैं तब आपकी आनंद एक छोटा बच्चे को बॉडी लेवल में आनंद होता है उस छोटे मान लीजिए कि आपको मैंने कोई वस्तु दिया ठीक है ना आपकी प्रिय वस्तु परंतु आपके घर में आपका प्रिय बच्चा है आपने जेब में रख लिया मैं बोला आपने क्यों नहीं खाया तो नहीं बच्चे को बच्चा जो खा रहा है उसको वो आपको बिल्कुल नहीं पूछ रहा है फिर भी आपको आनंद आता है क्यों वह मेंटली अटैच्ड होता है
आपने अपना क्रॉस जो एंजॉयमेंट है उसको छोड़ करके बच्चे को मेंटली अटैच टू योर सन, सो यू एंजॉय व्हेन ही साइंस के, यानी कि जब देखिए अपने शरीर से ऊपर जब मेंटल लेवल में जाते हैं आपका हैप्पीनेस तभी होता है। नेक्स्ट व्हेन यू आर इन द इंटेलेक्चुअल लेवल, खूब मेहनत कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल, तब कोई एक जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा विचार करते करते अचानक क्यों क्लियर नहीं, आप सुनिए आपका मन की क्या खुशी है। इस प्रकार से आप इंटेलेक्चुअल लेवल से भी आप हायर चले जाओगे ना, इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था ध्यान अवस्था देखो आपके मन वेदांत तो जो कुछ कहते हैं वो अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं आप। इसलिए जो ध्यान शब्द बोला कि पूर्व उपमंत्री उपगति महत्वाच एकत्व की बोध ही आपके लिए आनंददायक शुभदायक है, ये दूसरे किसी वाक्य से पता नहीं होता और ये अनुभव में भी आता है, आप यदि अभ्यास करेंगे तो आप अनुभव भी आ जाएगा। इसलिए होता है युक्ति शब्द होने के कारण अद्वैत वाक्य आना कभी कथम अद्वैत तात्पर्य आशंका अद्वैत वाक्य की अद्वैत में तात्पर्य कैसे आप कह सकते हो, बोलते हैं क्योंकि अद्वैत अपूर्व है, बाकी श्रुति वाक्य में भेद प्रतिपादन किया अभेद को प्रतिपादन नहीं किया किसी भी जगह सारा दर्शन भेद प्रतिपादन कर एक उपनिषद भाग में आकर के अद्वैत और वो युक्ति संगत भी है क्योंकि हम अनुभव में आता है कि एकत्र में अपनी स्थिति ने मुझे अधिक आनंदित अनुभव हो दुख से वहाँ संपार असर यदि जागृत अवस्था में ऐसा सुषुप्ति का शुरू से ये बोलते ही रहा है भगवान दर्श का, यदि आप जागृत अवस्था में बैठ करके सुषुप्ति अवस्था में आ सकते हो तो आप ब्रह्म को साक्षात करेंगे ना सुनेंगे। इसलिए तो यह च उपनिषद सु उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य जीव परमात्मा ने एकत्व प्रति विवाद विषिता यह चमत्व यद वा इत्यादि जो प्रकार है जब वही मानी भूटा में जाए यथार्थ विस्फुले गए जो हमारी छुट्टी बात को दिया हुआ है इन बातों के द्वारा शब्द तो एक है पर तात्पर्य किसमें है एकत्व का प्रतिपादन करें। जब जब दिखाई देगा चिंतन ये अलग अलग है इस प्रकार लोग ये भी हमारे भगवत गीता में हम ही वंश जी को लोग जी लोग को सुना है उनके लिए बहुत बड़ा लगता है भगवान बोलता है जी अंश है परंतु वो सनातन है अंश कभी सनातन नहीं हो सकता परिच्छिन्न वस्तु कभी अनंत नहीं हो सकता। ये चीज को जो है छोटा छोटे एक छोटा सी छोटे में तो पूरा अभिव्यक्त तत्व नहीं आता इसलिए आप बोल रहे हैं कि अद्वैतता हाँ अद्वैत वाक्यना अभी कथम अद्वैत तात्पर्य में आशंक ये लॉजिक है क्या है अपूर्व अर्थत्व और उपपत्ति मत आदि उपनिषद सु उत्पत्ति प्रलय आदि वाक्य जीव परमात्मा और एकत्व के प्रति विपाद उसके से आपने बोला एकत्र प्रतिपादन करने की इच्छा है देखो तत्वमसि अन्नमसु अन्नमस्मि न सवेद इत्यादि एकत्र दर्शन करें वहाँ पे इसी में आप देखिए ठीक है कार्य होता है अद्वैतम तावत मानांतर अगोचरत्वा श्रुति ने जो अद्वैत एकत्र को प्रतिपादन किया वो दूसरा किसी प्रमाण के द्वारा आप नहीं जान सकते इसलिए वही स्थिति का प्रतिबंध का विषय होना चाहिए मानांतर अगोचर अथवा दुष्ट प्रमाण तरह नहीं जाने जाने के कारण ठीक है अद्वैतम तावत निश्चित ही ये अद्वैत सिद्धांत अथवा अद्वैतवाद श्रुति प्रमाण के भिन्न किसी भी प्रमाण के द्वारा और महापुरुष का अनुभव श्रुति वाक्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुष का अनुभव इसलिए बोलते हैं अद्वैत तावत मानांतर अगोचर अथवा अपूर्व एकमेव अद्वितीय मिति प्राग अवस्थायाम ब्रह्म अद्वितीय अवश्य दृष्टि का क्या है देखो क्योंकि अपने आप ये एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए पहले क्या बोलते हैं सदैव स्वपे नमग्र आशीत एकमेव अद्वितीय ब्रह्म व इदमग्र आशीत एकमेव अद्वितीय आत्मा व इदमग्र आशीत नानंद किंचित विषय इस प्रकार से सृष्टि से पहले मूल कारण को एक दिखाया गया और फिर अपने आप उस सृष्टि में जो भी कुछ आया उस सारे को निषेध करते हुए सर्वेश अनिमा ऐतद आत्म लघु सर्व स आत्मा तत्सत्यम सत्म तत्व से उसी को सत्य करके दे गया फिर मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में अथा तो आदेश ने भी ले भी है ना मूर्ता मूर्त दोनों तो मूर्त अमूर्त मतलब मूर्त हो गया पृथ्वी जल अग्नि अमूर्त हो गया वायु और आकाश इससे बना जो भी कुछ अपने आप से निषेध कर दिया तो अना तो आवेदन नहीं थी न तो कर्म अस्थि उस विशेष तत्व को समझने के लिए इससे अच्छा और कोई आदेश नहीं हो सकता इससे आगे बढ़ करके कुछ नहीं हो इस प्रकार श्रुति की तात्पर्य ऐसा कहा जाता है इसलिए अद्वैत और तावत मानांतर अगोचरता अपूर्ण
क्योंकि अद्वैत निश्चित उसके किसी भगवान के द्वारा नहीं जाना जाता है, इसलिए वो अपूर्व चीज है। और एक दिन में तो अद्वितीय प्राग अवस्था ब्रह्म अद्वितीय श्रुतम, सृष्टि से पहले सब अभिन्न है, यहाँ भिन्न हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ भी अभिन्न नहीं है, परंतु क्या है, केवल नाम रूप के माध्यम से सामने प्रतीति होने के कारण वो नाम रूप के भिन्नता के कारण उसमें भेद दिखाई पड़ता है, प्रतीति हो जाता है। तदेव इदम सृष्टा है ना, तदेव इदम सृष्टा तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, श्रुति होते हैं इतने माँ क्या होते हैं, तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, उस परमात्मा ने क्या किया, उसको सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश कर दिया। उस प्रवेश वाक्य को यदि आप देखेंगे तो भगवान पंच का लंबा विचार किया कि वृत्ति का आपने बना हुआ खरा के अंदर वृत्ति का फिर दोबारा कैसे प्रवेश करें, जैसे कि आम के अंदर फल की प्रवेश, अथवा नारियल में पानी की प्रवेश, अथवा मुंह में हाथ की प्रवेश, कई विकल्प करके हमेशा अवयव पुस्ते में ऐसा होना संभव है, नहीं अवय ऐसा होना संभव नहीं। प्रवेश होने का अभिप्राय क्या है, भगवान का एड्रेस बता दिया, उसको ढूंढना है तो वहाँ पे ढूंढो। प्रवेश मतलब भगवान का आपका अंदर प्रवेश, आत्मा अंदर प्रवेश हुआ है उसी रूप में जिस रूप में उसने प्रवेश किया, मतलब वो अभिन्नता को दिखाया, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, वो आकाश वायु अग्नि जल को माध्यम से शरीर को बना कर उसी के अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वो भी उनका निवर्तन है, और जो है उसके अंदर जो प्रवेश किया हुआ है उनका स्वरूप है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आया। ये जो है यहाँ पे बोलना चाहते, इसलिए बोलते हैं तदेव इदम सृष्टा तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उसको सृष्टि करके फिर उसके अंदर प्रवेश कर दी थी सुतेर अनुप्रविष्ट जीव अभिलाप करे, जो प्रवेश किया उसको जीव शब्द बताया, बोलते नहीं पूछते था आप उसके पास, हमारे पास कुछ शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए, उपाधि के साथ मिलकर के कभी शत शब्द प्रयोग करते हैं, कभी जीव शब्द प्रयोग करते हैं, जीव में भी इतना चौड़ा सीधा भिन्न था, परंतु शुद्ध होते करने के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, इसलिए तेना जीवस ब्रह्मदान संभवती इति उपपत्य अभी सुते अद्वैत अर्थत्वम गम्यते। पहले क्या बोला, अपूर्वत्व, दूसरा क्या बोला था, दूसरा हेतु क्या दिया था, उपपत्ति मत्वात् च, उपपत्ति क्या है वहाँ पे, क्योंकि परमात्मा ही जिस शरीर में यहाँ पे प्रवेश किया, तो जो जीव रूप में दिखाई दे रहा है वो परमात्मा से भिन्न तो कुछ भी नहीं है, ये युक्ति है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तदे तद तद एवं सृष्टा तदेव इदम सृष्टा, वही परम तत्व है ना, वही परम तत्व इस जगत को रचकर इदम सृष्टा, ठीक है, तद सृष्टा तदेव प्राविश है ना, उसके उसको सृष्टि करते उसके अंदर प्रवेश कर दिया था। इति सुते अनुप्रविष्ट जीव अभिलप्तते, वो अनुप्रवेश कौन किया, जीव नाम से खादा प्रवेश करके, तेना तेना छह नंबर टिप बने, मतलब जीव रूपतया ब्रह्मण अभिलापेन, उसी ब्रह्म के जिसने प्रवेश किया उसके समय जीव शब्द के द्वारा कहा गया है, यानी कि जीव और ब्रह्म के एकत्र दिखाना चाहते हैं, जिसको जीव शब्द के द्वारा बोला जा रहा है वो ब्रह्म ही था, किंतु मतलब सदैव संविधान प्रयासी उसी ने प्रवेश किया, इसी ने आप बोलते हैं कि तत् सृष्ट तदेव अनुप्रविष्ट, यदि श्रुते अनुप्रविष्ट जीव अभिलप्त तेन जीवस्य ब्रह्मनाम संभव, इसलिए जीव ही ब्रह्म है ये वहाँ संभव है, तेन मतलब जीव रूपतया ब्रह्मण अभिलापेन, नदी ब्रह्म को जीव शब्द के द्वारा कथन किया, इस कारण से यहाँ पे जो है जीव में ब्रह्मत्व धर्म बैठा हुआ वहाँ युक्ति शब्द है, उपपत्ति अपनी श्रुते अद्वैत अर्थत्व ब्रह्म, युक्ति से भी श्रुति अभिन्न को प्रतिपादन करना चाहते हैं, चाहते हैं ये समझ में आए सृष्टि को दिखाना उसमें अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अनंतरम एव बक्ष्यते, ठीक इसके अगले वाले श्लोक में अगला श्लोक क्या है, मृद्लोह सृष्टि पुष्पलिंगादे सृष्टि चोरित अन्नता उपाय स अवताराय नास्ति भेद कथन, उस अद्वैत तत्व को समझाने के लिए कहीं वृत्ति का से जैसे उत्पत्ति, कभी स्वर्ण से उत्पत्ति, कभी विष्णु जैसे उत्पत्ति, ये भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पत्ति को श्रुति के द्वारा कहा गया है, इसके मेथड टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस इज द ओरिजिनल इज द रूट कॉज दैट इज द ऑनली ट्रूथ, इसलिए उपाय मेथड उसको समझाने के लिए,
अध्यारोप के बिना जो है हमको समझ में नहीं आएगी, इसलिए अध्यारोप करके कहा जाए एक उपाय है। इसलिए बोलते हैं कि सृष्टियादि स्तुति नाम अद्वैत तात्पर्य, सृष्टियादि स्तुति होगा अद्वैत में उसका अभिप्रय तात्पर्य ना, सृष्टियादि और सृष्टि में उसका अभिप्राय नहीं है। क्योंकि अनंतर विवक्षते अगले श्लोक में यह कहा जाएगा, अगले श्लोक में इसको समझाया जाएगा। तस्मात अद्वैत स्तुति तात्पर्य से, तस्मात अद्वैत में स्तुति की तात्पर्य सिद्ध होने के कारण तदर्थ सेव तात्विक, इसलिए अद्वैत ही तात्विक है और भेद जो है द्वैत जो है अतात्विक है, इसलिए अद्वैत तात्विक है। इसमें तात्पर्य तस्मात अद्वैत स्तुति तात्पर्य, अद्वैत में स्तुति की तात्पर्य होने के कारण तदर्थ सेव उसको अद्वैत विषय में ही इसकी तात्विक और पारमार्थिक है, यदि अर्थ इसका अभिप्रेत है। न केवल उपपत्ते अद्वैत श्रुति तात्पर्य किंतु नवकृत अभ्यासादपि, अभ्यास भी एक लिंग है। शैलिंग ने क्या क्या है, उपक्रम प्रसंगा अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवा उपपत्ति शैलिंग तात्पर्य है। एक तो उपक्रम में तो पहले वक्त क्या है, सदैव सुन में जमा के आशी तो उपक्रम बलवान है। उपसंहार में क्या क्या सहजय शोहनिमा अतद आत्मवेदुम सर्वम तत् सत्यम साधे उपक्रम संघर एक वक्त का लिखा, उसके बाद अभ्यास, अभ्यास को उपपत्ति तो दिखा दिया। उपपत्ति क्या है, अन्य सोम सोम मूल उपत्ति है, मूल कारण कर दिया। और अभ्यास, अभ्यास क्या है, नौ बार बोलते हैं कि तत्व बार नौ बार बोलते, इसलिए बोलते हैं आगे न केवल उपपत्ति रेव अद्वैत श्रुति तात्पर्य, केवल मात्र युक्ति के कारण ही अद्वैत में श्रुति के तात्पर्य ये बात नहीं है, किंतु नवकृत्य अभ्यासादपि तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग वहाँ पे घट जाते हैं, क्षय लिंग वहाँ पे घट जाते हैं। कहते हैं नवकृत अभ्यासाद अभिज्ञानी एक एक लिंग को स्पष्ट करके, मतलब तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग को स्पष्ट करके घटा के दिखा, इसीलिए अवकृत अभ्यासा कभी इति अर्थ आपने के तत्वमसि अग्नवशो अग्नमस्मि न स वेद, है ना, यो भिन्न है मैं भिन्न हूँ, वेद आपने किया है एक तत्वमसि, ये जो है ना इसका अहम ब्रह्मस्म का आगे वाला वाक्य है, अग्नवशो अग्नमस्मि न स वेद, ये अहम ब्रह्मस्म के आगे वाला वाक्य है, ये तत्वमसि है ये त्याग, मतलब दोनों महावाक्यों को उठा करके आपको दिखा दिया है ना, तुम वही हो, तुम्हारे अंदर ही पारमार्थिक तत्व है, जो आप इसके विपरीत जो वो भिन्न है मैं भिन्न हूँ इस प्रकार समझते हैं यथार्थता को नहीं जानते हैं, मोदी और विपरीत आदि इस प्रकार वाक्यों के द्वारा भेद दृष्टि अपवाद श्रुति अद्वैत तात्पर्य प्रतिवादी इति आह, केवल इतना ही नहीं श्रुति ने स्वयं भेद दृष्टि की निंदा की है, इसलिए भेद दृष्टि की निंदा के कारण में भी श्रुति की भेद में तात्पर्य नहीं है और भेद में तात्पर्य है, इसलिए बोलता है भेद दृष्टि अपवाद अच्छा, भेद दृष्टि के अपवाद निराकरण करने के कारण से भी श्रुति और श्रुति का अद्वैत तात्पर्य, श्रुति का अद्वैत में तात्पर्य है। ये देखिए इस पर लिंग लिखा है अर्थवाद लिंग, छह लिंग में एक लिंग अर्थवाद होता है कि नहीं होता, ये क्या लिखा है अर्थवाद लिंग, अर्थवाद लिंग क्या होता है कि या तो जिसको प्रतिपादन करना चाहते उसको सीधा सीधा प्रशंसा करते हैं अथवा जिसके विरुद्ध में है उसको निंदा करते हैं, तो भेद दृष्टि का निंदा किया नहीं, इस प्रकार हमारे यहाँ पे ईर्ष्या वशु परिषद में असुरजा नाम होते लोग अंतिम तमस्या भी तक आंस के भेद कभी गच्छती देवी जो आत्महुजन ये क्या किया, भेद दृष्टि का निंदा किया, क्या नहीं क्या हो गया प्रतिपादन में गिरता है उसका प्रशंसा हो जाएगी, अर्थवाद देख रहे हैं तात्पर्य निर्णय क्षय लिंगों को समझने के लिए दूसरा वर्ष में क्षय मिल जाता है, छंद प्रसाद विद्या में क्षय मिल जाता है, ये अर्थवाद लिंग है, अर्थवाद लिंग क्या करते हैं कि भेद दृष्टि की निंदा कर देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं भेद दृष्टि अपवाद अच्छा श्रुति अद्वैत तात्पर्य प्रतिभादी इतिहास अर्थवादी न सभेद आदि शब्द अद्वैतवादिनी द्वैत निषेधिनी च वचनांतरानी गृहन्ते, वहाँ पे क्या बोला है कि न स वेद इत्यादि भी है ना, इत्यादि भी स्तुति वाक्य ही मतलब स्तुति भी, तो अब वहाँ पे जो आदि शब्द दिया हुआ आदि से क्या लेंगे, बोलते तो जहाँ जहाँ अद्वैत स्तुति है उस सब कुछ में ग्रहण हो जाएगा, आदि शब्द ना आदि शब्द के द्वारा अद्वैतवादिनी द्वैत निषेधिनी अद्वैत का प्रतिपादन करना दुष्ट को निषेध करना तो लिखा एक समय है ना, एक दिन तत्वमसि क्या होगा अद्वैत को बोध कराने वाला, अद्वैत को निषेध करने वाला अन्नमसि अन्नमसि न सब द्वैत को निषेध करने वाला, दोनों के एक साथ कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा होगा भाषण मैंने, इसीलिए हमें बोलते हैं कि आदि शब्द अद्वैतवादी द्वैत निषेध वचनांतरानी भी नंते
एकत्व एव प्रतिविपाक इषितम् इति पूर्वेण सम्बन्ध जो हम जो है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं अतो उपनिषत्सु एकत्व श्रुत्या एकत्व श्रुत्या प्रतिविपाक इषितम् भविष्यति जो है एकत्व प्रतिविपाक इषितम् ऐसा अन्य करना है ठीक है ना एकत्व की प्रतिपादन करने की इच्छा रखती है स्थिति अब ऊपर जो है एकत्व एव प्रतिविपाक इषितम् एकत्व की प्रतिपादन करने की इच्छा रखती है स्थिति बताती एकत्व श्रुते तात्पर्य सिद्ध एकत्व में श्रुति की तात्पर्य सिद्ध हो जाने से तृतीय पाद अवष्टम में फलित आपको तात्पर्य निर्णय छह लिंग के द्वारा आपने युद्ध क्या दिखा दिया श्रुति की तात्पर्य एकत्व में है ना अभ्यास के द्वारा उपपत्ति के द्वारा है ना इसलिए आप बोलते हैं और अर्थवाद के द्वारा अर्थवाद उपपत्ति अभ्यास शास्त्रों को क्रम संगत ही है इस प्रकार से तात्पर्य निर्णय छह लिंग के द्वारा एकत्व श्रुति तात्पर्य सिद्ध एकत्व में श्रुति के तात्पर्य सिद्ध हो जाने पर तृतीय पाद अवष्टम करने तृतीय पाद मतलब भविष्य वित्ता सा बौन भविष्य वित्ता बौन भविष्य वृत्ति से वो बौन है कौन भेद कथन बौन है भविष्य भविष्य वृत्ति लेकर तो बोले इसलिए तृतीय तृतीय पाद की अपेक्षा करके एकत्व श्रुति तात्पर्य सिद्ध तृतीय पाद अवष्टम बिना परिणाम तृतीय पाद की आरा करके उसके फल को कहते हैं क्या कहते हैं अतः उपनिषद सु एकत्व श्रुत्या प्रतिपादिषितं भविष्यति इति भाविनि एकत्व वृत्ति आश्रित भावि एकत्व वृत्ति को आश्रय करके जो के भेद दृष्टि अनुवाद होम के प्रति भेद दृष्टि की जो अनुवाद करती है वो कौन है भावि एकत्व को प्रतिपादन करने की इच्छा से जो लोक दृष्टि में जो भेद बैठा है उसको श्रुति अनुवाद करके वो कौन है वो प्रतिपादन नहीं है सिद्ध होता है अच्छा ये एक भाग हो गया श्लोक सा अध्याय व्याख्यानांतर अहम इस श्लोक का ही अध्ययन पद को अध्ययन करके एक दूसरा व्याख्यान करते हैं ठीक है ना श्लोक सा अध्याय व्याख्यानांतर अहम सात नंबर की प्रश्न मतलब एकत्व इति पदम अध्यायित्य अध्याय क्या एकत्व पद को अध्ययन करके अथवा तत्त तत्ज अस्त यद इत्यादि उत्पत्ति प्राप्त इस प्रकार उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति से पहले आप पहले क्या बोला था पहले लिया था भेद कर्मकांड भाग को लेकर के बोलते अब कर्मकांड भाग को नहीं उपनिषद भाग को लेकर बोलते उपनिषद भाग में भी क्योंकि उपक्रम को लेकर के भी बोलना चाहते हैं उपक्रम ने क्या दिया उपनिषद हमें एकमेव अद्वितीय देखिए आप सूत्र में आ जाइए जीवात्मन और पृथकत्म पृथकत्म यद प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितम यहाँ पर देखिए इसलिए है कि एकमेव एकत्वम प्रकीर्तितम प्रागुत्पत्ते ठीक है ना अब क्या बोला प्रागुत्पत्ते एकत्वम प्रकीर्तितम प्रागुत उत्पत्ति से पहले क्या दिखाया गया एकत्व को दिखा उत्पत्ति के समय भिन्नता दिखा और उपसंहार में भी एक हो जाता है फिर उसका पहले कर्मकांड को काम को लेकर के बोल रहे थे आप उपनिषद कांड में शुरू कर भविष्य इति वा भविष्यद वृत्ति अपेक्षो तद जीवात्मा इस प्रकार आगे भविष्य पहले उत्पत्ति से पहले भी एकत्व को दिखाया और उपसंहार में भी एकत्व को दिखाया है ना इसीलिए बीच में जो भेद दिखाया गया है वो गौण होना चाहिए कितना सुनते भाजी ये आप है ना पहले तो कर्मकांड को लेकर बोला था कर्मकांड का भेद क्यों दिखाया महिला को उत्पन्न करने और उपनिषद भाग में जो जहाँ की उत्पत्ति है वहाँ के उपक्रम में भी एक बात पता है एकत्व लिखा उपसंहार में एक बात उपसंहार एकत्व इसलिए इस एक बात को दर्शाए वहाँ पे एकत्व सिद्ध होता है भेद कौन है इसलिए बोलते हैं तत् सत्यम स आत्मा तत्व सीधे छह आठ सोलह यदि एकत्व भविष्य इससे क्या हो जाएगा और एकत्व सिद्ध हो जाएगा एकत्व भविष्य अवगत में आत्मसा एक हो जाएगा दो नंबर समझ में आता है ये जो
यदि काम भविष्य वृत्ति अपेक्षा उस आगे एकत्व वृत्ति होगा उसकी अपेक्षा करके जब जीव आत्मा पृथक्तम जो जीवात्मा परमात्मा भिन्न करके दिखाया गया है जब क्षेत्र केतु और क्षेत्र केतु को पिता गुरु और शिष्य इस प्रकार भेद दिखाई पर जिसको को शंका उठाया था तुम्हारे सिद्धांत तो एक ही नहीं है तुम अपने आप बोलते हो सब तक विज्ञान तम से गुरु में अभी रच है तो आप इधर बोलते हो कि गुरु नहीं हो शिष्य भगवान शंकर ये बात एक तरह बोलते हैं न मृत्यु न शंकर न ले जाति भेदम पिता नहीं दो मेरे नहीं दो माता का जन्म न बंधु न मित्र न गुरु नहीं हो शिष्य चिरानंद गुरु को इधर क्या बोलते हो तब विज्ञान तम से गुरु में अभी रच है ऐसा कैसे बोलते हो तो जब हम अज्ञान दशा की स्थिति में ज्ञान की स्थिति बस इतना ही हमारी भिन्नता है अज्ञान दशा का सारा उपनिषद मतलब सारा वेद अज्ञानी के लिए है ज्ञानी के लिए उपनिषद नहीं है ज्ञानी को क्या करना है इस तरह गुण निर्मति विचार का वो विधि वो बनिश लेगा जब गुणातीत सब स्वरूप मतलब निर्णय हो गया तो फिर विधि से क्या करना है यह इसलिए हम बोलते हैं कि भविष्य वृत्ति अपेक्षा जब जीवात्मा प्रतिगतम जत्र पचित वाक्य गम्य मान जिस किसी वाक्य में पृथक रूप में दिखाई पड़ता है तो न को पादना के नहीं है तथा ओलनम पचली तत्व जैसा कोई कहते हैं कि देखो चावल को पता कर फिर इसको पढ़ लिया था इसकी भविष्य वृत्ति में अपेक्षा करता सुनाई दे गया फिर भी कई बता दो आज फिर यहाँ से शुरू करेंगे पहला वाला अजम् अपि योनियोगं प्रापदैश्वर्ययोः अगति च गतिमत्तां प्राप्यदेकं अनेकं विविधविषयधर्मप्रायमुक्तेक्षणानां प्रणतपयविहन्ति ब्रह्म यत्तन्न मनो अस्मि ॐ